हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? और आज का जो ब्लॉग है ना, मैंने इवनिंग से ही स्टार्ट कर दिया है और दिन भर मुझे टाइम नहीं मिला और थोड़ा आज थक गई थी ना। तो अभी देखिए 4 बज रहा है और बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मैं सो के अभी जस्ट उठ रही हूँ क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो रुपेश टीवी भी देख रहा है, पढ़ भी रहा है। जब प्रचार आ रहा है ना तब वो पढ़ाई कर रहा है, वरना टीवी देख रहा है। और बच्चों को स्कूल से होमवर्क मिला है ना, तो वही बच्चे कर रहे हैं अपना अपना होमवर्क। अभी 1-2 घंटा पढ़ेंगे, फिर उन्हें मैं दूध दे दूंगी। तो रुपेश वही देख रहा है, मतलब टीवी देख रहा है फिर पढ़ाई कर रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा है। बताइए, कोई करता होगा भला? तो और छवि भी साथ ही में पढ़ रही थी। तो अभी 4:30 या 4:45 के लगभग हो रहा था, तो मैंने बच्चों को छोड़ दिया बिस्तर में पढ़ते ही और चली आई हूँ मैं झाड़ू लगाने। और आजकल फ्रेंड्स ना इतनी जल्दी मतलब शाम हो जा रही है, और कब सुबह से शाम हो जा रही है, इतना जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब सारे काम हमारे, हम जो सोच रहे हैं वो सारा काम पड़ा ही पड़ा रह जा रहा है, और जल्दी से टाइम जो है बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ करने के लिए बट कर नहीं पा रही हूँ। बस खाना बनाते बनाते ही लंच कराते बच्चों को स्कूल से आते उन लोग को, और टाइम जो है अप हो जा रहा है, फिर शाम हो जा रही है, फिर शाम की रूटीन में लग जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। सोच रही हूँ दीवान के कपड़े जो है उन्हें छत पे सुखा दूँ, बच्चों के स्वेटर निकाल दूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ फ्रेंड्स मैं दिखा रही हूँ आपको ना कि ये जो बटरफ्लाई है ना, ये इसे असली मतलब पेड़ समझ के इसमें आके चिपकी हुई थी। और थोड़े से बर्तन थे तो मैं वो भी वाश कर लेती हूँ। सुबह की सफाई के बाद शाम की सफाई होती है। वैसे घर गंदा नहीं था फिर भी मैं साफ कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो अभी जो है इवनिंग का समय हो रहा है और 5 बजने वाला है, और मैंने झाड़ू बर्तन सब कर लिया है। और अभी ना छवि स्कूल से आई थी, तो उसने मतलब जो है खाना खाया ही नहीं था, मतलब लंच ही नहीं फिनिश किया था, तो वो लंच ही खा ली थी। तो अभी मैं उसे दाल चावल दी हूँ, और वो देखिए वहाँ पर बैठ के छवि जो है ना खा रही है, लंच कर रही है, पर वो इवनिंग के समय में कर रही है क्योंकि वो दाल चावल खाई नहीं थी, तो मैंने अभी उसे दे दिया। और फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कितनी बड़ी बिंदी लगाई है, और कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जैसे कि ना मैं इतनी बड़ी बिंदी लगाती नहीं हूँ, पर ये छठ माता का प्रसाद आया था, किसी ने प्रसाद दिया था, तो उसमें बिंदी और सिंदूर भी था, तो वही बिंदी मैंने लगा लिया है। और जब तक माथे पे रहेगी मैं इसे रखूँगी, फिर अपने से अगर निकल जाएगी तो ठीक है। और अभी 5 बजने वाला है, मैं चलती हूँ छत पे, और अभी कपड़े मुझे लाने हैं फोल्ड करके, उसे अलमारी में लगाना है, फिर कुछ जैसे कि देखती हूँ नाश्ता अगर बनेगा तो नाश्ता बनाऊँगी, अगर बच्चों को भूख लगेगा तो, वरना डायरेक्ट मैं डिनर बना दूँगी क्योंकि अब बहुत जल्दी जो है ना रात हो जा रही है, तो नाश्ते का तो जैसे कि ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि बच्चे 1-1:30 बजे स्कूल से, हाँ ठीक है सिंक में रख दो बर्तन, तो बच्चे 1-1:30 बजे स्कूल से ही आ रहे हैं, 2 बजे तक वो लोग लंच कर रहे हैं, उन्हें भूख ही नहीं लग रहा है। फिर शाम को मैं उन्हें दूध दे देती हूँ तो उनका पेट जो है वो फुल रहता है, तो इसीलिए आजकल मैं जल्दी से डिनर बना लेती हूँ। 8:30 बजे तक हम डिनर कर लेते हैं। तो अभी चलिए छत पे चलते हैं, पहले कपड़ा लेके आते हैं और पौधों में पानी डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स रुपेश को राइटिंग इतना ज़्यादा मिल गया ना कि वो राइटिंग ही कर रहा है अभी, देखिए। और ये देखिए बिस्तर का क्या हालत किया है। अब मैं बोल रही थी कि तुम हट जाओ, पहले मैं बिस्तर सेट कर दे रही हूँ, तो बोल रहा है कि अभी नहीं और पहले मुझे पढ़ लेने दीजिए। और यहाँ देखिए पढ़ाई भी हो रही है और साथ में टीवी भी चल रही है, तो टीवी मैं रुपेश ऑफ कर दे रही हूँ, अब खोलना मत, सिर्फ पढ़ाई करो। चलिए अभी हम चलते हैं छत पे, और छवि आ जाओ, छवि भी साथ में है क्योंकि ट्राईपोर्ट नहीं है तो वही ट्राईपोर्ट बनेगी, इसलिए मैं इसे ले जा रही हूँ कि मैं जब कपड़े उतारूंगी ना तो वीडियो ये शूट कर लेगी। तो ये देखिए, और ये कारपेट देखिए मैं छत पे रखी हूँ ना, थोड़ा ये सूख जाएगा तो इसे मैं नीचे वाले रूम में लगाऊंगी, पीछे वाले, ये पीछे वाले रूम में लगता है। और ये देखिए सारे कपड़े जो है ना अभी हैं, और इधर भी हैं, देखिए। तो मैं सारे कपड़ों को उतार लेती हूँ। तो
अभी देखिए फ्रेंड्स, जो सारे पौधे हैं ना बिल्कुल सूख गए थे, बिल्कुल ड्राई हो गया था इसका मिट्टी, और मैंने सभी में पानी डाल दिया बारी बारी, और ये देखिए कुछ सूखने जैसा हो गया है। फिर मैं नीचे आ गई थी सारे कपड़ों को लेके, तो उन्हें मैं फ़ोल्ड करके लगा देती हूँ। अभी फ़ोल्ड कर लूँगी, बाद में अंदर जाऊँगी तो अलमारी में लगा दूँगी। अलमारी में लगाने का क्लिप मैंने नहीं लिया है। और ये देखिए छवि सूट कर रही है, तो किस तरह सूट कर रही है। और मैं रुपेश से बात कर रही थी, फिर मैं डायरेक्ट किचन में आ जाती हूँ। और यहाँ मैंने तेल जो है गर्म कर लिया है, कुछ खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं, जैसे लौंग, इलायची, थोड़ा धनिया, जीरा, यही सब। फिर मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, दो बड़े साइज़ का प्याज है ये। जब ये हल्का भून जाएगा ना तो मैं मसाले ऐड कर दूँगी। और यहाँ मैंने बॉयल अंडा जो है उसे छील लिया है, और अब मैं अंडे को फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए ज्योति है, ज्योति आई थी ना, तो मैं थोड़ा सा क्लिप ले रही थी पर वो भाग गई, तो इसलिए मैंने उसे फोर्स भी नहीं किया। और यहाँ देखिए मसाला मैंने डालते हुए क्लिप नहीं ले पाई, तो मसाला मैंने डाल दिया है। अब हल्दी, नमक, वही रूटीन के मसाले डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, मसाले में मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर ये मैंने पीसा था। और अभी मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ, फिर वही हल्दी, रूटीन के सारे मसाले डाल दूँगी। और इसे भूनूंगी, तब तक भूनूंगी जब तक कि मसाला जो है वो तेल ना छोड़ दे। और गरम मसाला मैं बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। और अंडा करी मैं ना मतलब कुकर में ही बनाती हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है कुकर में। और अंडा, अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मटर डाल दिया है, ये सफ़ल मटर है। अंडे में सफ़ल मटर जो है ना, मतलब कोई भी मटर सफ़ल मटर ही नहीं, कोई भी मटर बहुत टेस्टी लगता है। और यह अंडा भी देखिए फ्राई हो गया है, तो इसे मैं अभी निकाल के एक साइड में रख लूँगी, फिर जल्दी जल्दी से रोटी भी बना लूँगी मैं। तो ज्योति थी ना, वो साथ में मिलके रोटी बनवा रही थी, तो बोल रही थी दीदी दो मैं बेल देती हूँ, तुम रोटी सेक दो। तो मैं नहीं दे रही थी, तो फिर वो ज़बरदस्ती मुझसे ले ली कि लो दीदी मैं बेल रही, तुम सेकती रहो। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मसाले हैं जो ना वो भून गए हैं, उन तेल छोड़ दिया है ये देखिए, और बहुत अच्छा इसमें से स्मेल आ रहा था। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, मैं अपने घर के मेंबर के हिसाब से पानी डाल देती हूँ। आपके घर में जितने मेंबर होंगे आप अपने हिसाब से डालिएगा। और फिर मैं इसमें अंडा ऐड कर दूंगी और सीटी लगा दूंगी, बस दो तीन सीटी आने तक बस, उसके बाद फिर मैं कुकर बंद कर दूंगी। और अब इस स्टेज पे मैंने गरम मसाला डाला है, और ये जो मार्केट वाला आता नहीं है अशोक का गरम मसाला, वो है, घर का मसाला नहीं है ये, तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है। और हाई फ्लेम पे छोड़ दूंगी इसे दो तीन सीटी आने तक, और बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और अंडा जो है वो बिल्कुल फूटता नहीं है, वो साबुत ही रहता है, आप ट्राई जरूर करिएगा। अभी हमारा डिनर हो गया है और अभी हम केवीसी देख रहे हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए रुपेश अभी देख रहा है, और यहाँ पर ज्योति, छवि जगी है लेकिन ज्योति सो गई है, वो थक गई थी ना आई थी, तो अभी मैं भी क्या बोलते हैं कि सो जाऊंगी, बस केबीसी जहाँ खत्म होगा ना वही बस देखती हूँ, तो फिर सो जाऊंगी। और शायद 10 बज गए हैं गिरी के घर में, 10 बज चुके हैं, और अंडा करी बहुत टेस्टी बना था, बस मालूम है आज थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया था अंडा करी में, तो मैंने ना उसमें आटे की जो है लोहिया डाली थी, आटा मतलब गूंथ के गोल गोल लोई बना के उसकी, और फिर मैंने उसे डाल दिया था, तो नमक जो है कम हो गया था, पर टेस्टी बना था, अच्छा लगा था अंडा करी, पर नमक थोड़ा सा ज्यादा फर्स्ट टाइम हो गया था, बाद में जो है वो मतलब मेंटेन हो गया था, खाने लायक हो गया था। तो क्योंकि जानते फ्रेंड्स, अभी जो है ना अभी एकादशी है मंडे को, और थर्सडे को जो है देव दिवाली है, तो अभी हम ये देखिए चली उठ गई, तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे ना, काफी टाइम भी हो गया था, और जैसे जैसे मैं फीवर से उठी थी ना, तो वो भी मेरा थोड़ा सा मतलब फीका फीका लग रहा था, तो इसलिए आज मैंने अंडा करी बना लिया। और जब सारे फेस्टिवल बीत जाएंगे तब फिर मैं देखती हूँ फिश बनाऊंगी या चिकन बनाऊंगी, तो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। और अभी गुड नाइट बोल दो फ्रेंड्स को, तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। फ्रेंड्स प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नहीं नेट खत्म हो गया आज, आज वीडियो भी नहीं अपलोड हुआ नेट भी मेरा, ये जब से नया फोन आया है ना तब से ऐसा लग रहा है कि ये नेट बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहा है, बहुत जल्दी जो है मैसेज आ जा रहा है कि 100% नेट खत्म हो चुका है आपका। तो फ्रेंड्स प्लीज मैं आप लोग से ये कह रही थी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और डिंग डोंग बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो और अभी हम जा रहे हैं सोने, तो गुड नाइट फ्रेंड्स, बोल दो छवि।